गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज फिर ये बर्थडे वाले दिन है, तो आप सबों का स्वागत है इस छोटी सी ब्लॉग में फिर से। और आप लोगों ने पिछली रातों को तो देखा ही होगा कि हम लोगों का सोना कितना ही लेट हुआ था, लगभग 1:00 हो गया था। तो ये ब्लॉग फिर से सुबह शुरू हो रहा है और मैं निकल रहा हूँ स्कूल के लिए, क्योंकि मुझे तो जाना होगा क्योंकि 6:30 मॉर्निंग स्कूल चल रही है अभी। तो इधर चलिए आप लोगों को दिखाते हैं कि हम लोगों का घर में हो क्या रहा है। तो चलते हैं रूम में। तो इधर एक बार फिर से चलो, हैप्पी बर्थडे फिर से। थैंक यू बर्थडे बॉय, आज स्पेशल बर्थडे। और इधर देखिए हम लोगों का ये बचकी बेटा। गुड मॉर्निंग। हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पापा। सुबह सुबह इधर मॉर्निंग चल रहा है इसका। और इधर इधर है एंजल की मम्मी। गुड मॉर्निंग। हेय, सुबह सुबह देखिए आज ये जो भी तैयारी है ये सारे राहुल के लिए है। तो आपको कुछ कहना है जी? आप लोग सभी वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिए ताकि हम लोग को अच्छा लगे और हम लोग ऐसे ही अच्छा वीडियो लाते रहे और राहुल ऐसे ही आगे बढ़ते रहे, तरक्की करते रहे। ठीक है, चलिए फिर हम निकलते हैं, जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो अभी ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है, तो जल्दी से ब्रेकफास्ट करते हैं और उसके बाद में फिर से आप लोगों से मिलेंगे। और आज दिन भर का ब्लॉग आप लोग को मिलता रहेगा, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, हम लोग कहाँ जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, ये वीडियो को ज़रूर आखिर तक देखिएगा और ढेर सारा प्यार जरूर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के प्यार के बिना हम लोगों का जो वीडियो है वो अधूरा है। सो कीप लविंग एंड शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग, सो थैंक यू। तो आज राहुल बर्थडे के नाम पर ये अर्ली इन द मॉर्निंग केक, और उसके लिए एच खीर बनाया गया था और ये पूरी है। तो इसे हम जल्दी से खा लेते हैं। हे गाइस, अभी शाम हो चुकी है और इधर देखिए फैमिली को पूरा रेडी हो गई है एकदम फटाफट, पूरा चमक रही है हैप्पी डेंट वाइट की तरह, हम लोग की बेबी इधर सो गई है। सो गाइस, अब हम सभी को निकल रहे हैं, राहुल आएगा पीछे से, हम लोगों को कुछ और भी काम है तो उन सारी चीज़ों को भी कर लेते हैं। और अब होगा बर्थडे का ट्रीट राहुल की तरफ से, सो हम लोग जा रहे हैं। कौन सी रेस्टोरेंट जा रहे हैं ये तो आप लोगों को वहीं पता चलेगा वीडियो में ही, तो आप लोग बने रहिए हमारे इस वीडियो में। और पूरे दिन भर तो ऐसे ही हम लोग बिज़ी रह गए, राहुल भी अपने गांवों में बिज़ी रहा हम सभी को। तो अभी शाम के समय हम लोग जा रहे हैं और कौन सी रेस्टोरेंट जाएंगे ये आप लोगों को वीडियो में ही पता चलेगा। आप क्या बताने वाले हैं? किधर है ये जल से हो गई है लेकिन हाँ उसका टाइम हो गया, कोई बात नहीं। ठीक है, हम लोग अभी तुरंत निकलते हैं, फिर राहुल वो पीछे से आएगा और फिर हम लोग जो भी काम अपना कर लेंगे तो फिर उनसे मुलाकात करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग कौन से रेस्टोरेंट जाएंगे तो वो वहाँ डिसाइड करेंगे। तो चलिए बने रहिएगा और वीडियो को जरूर से देखते रहिएगा आखिर तक, लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। ओके, सो गाइस हम लोग पहुँच गए हैं मेन रोड और हम सब है अल्बर्टिका चौक के पास में, अल्बर्टिका चौक। और ये यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है और हम सब यहाँ पर एम बाज़ार के पास में, फैमिली गई है कुछ अंदर कुछ लेना है उन्हें तो वो यहाँ गई हुई है और हम सब यहाँ पर खड़े हैं। हम सब नहीं, सिर्फ मैं ही यहाँ पर खड़ा हूँ, बेबी दोनों उसकी मम्मी के साथ में गई हुई है। तो ये बहुत ज़्यादा क्राउडेड प्लेस है, रांची का सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ का इलाकों में से ये एक जगह है जहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड़ होती है, क्योंकि ये मेन रोड है, यहाँ पर आपको चारों तरफ से रोड जोड़ती है, ये चौक है, इसी के कारण से यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। पूजा के समय में इस साइड में पंडाल बनाया जाता है, यहाँ पंडाल होते हैं, काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है इसी कारण। बहुत सो मज़ा आ रहा है, कितने दिनों के बाद में फिर से कहीं पर बैठ करके खाने का मौका मिलेगा। इससे पहले हम सभी को गए थे कावेरी में,
उस दिन भी राहुल का प्लान था और उस दिन प्लान उनका बनाया गया था क्योंकि वो कभी गया नहीं था। लोगों ने प्लान बनाया कि चलो भाई जाना है कावेरी, और फिर हम सभी को चले गए। तो इस बार तो डिसाइड करके कि कौन सा में जाना है, कहाँ जाना है, आप लोग बने रहिए, तो लोग इसलिए जरूर बताएंगे। तो गाइस फाइनली हम लोग राहुल से मिल गए हैं और अभी रात का 9 बज रहा है। ये उसका जूता गिर गया है, उसका जूता गिर गया। तो फाइनली राहुल आज ट्रीट देने के लिए रेडी हो गया है और हम लोग सभी को फिरायालाल चौक के पास में है, जिसको अलबटे का चौक नाम से भी जाना जाता है। सो अभी हम लोग चलेंगे कौन से रेस्टोरेंट, वो अभी हम लोग रास्ते में पता करते हैं। सो गाइस फाइनली डिसाइड हो गया है कि आज ना जल जोगा ना कावेरी, आज जाना है सेवेंथ हेवन, मतलब सतवा स्वर्ग में। तो चलो भाई सेवेंथ हेवन चलते हैं और आप लोग बने रहिए, चलिए वहाँ पर फिर मिलते हैं। सो गाइस फाइनली हियर इज सेवेंथ हेवन। ये है सेवेंथ हेवन करांची का, जो HP रोड में है। और यहाँ पर एक समय में हम और श्यामली उनका बर्थडे में यहाँ पर हम लोग खाने के लिए आए थे। इसके बाद में शायद ये मेरा सेकंड बार होगा यहाँ पर राहुल का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। तो हम लोग रात में ही बर्थडे सेलिब्रेट कर लिए हैं और यहाँ पर एंजल है, उसकी मम्मी, और यहाँ राहुल। सो इधर थोड़ा सा अंधकार जैसा दिख रहा है, डार्क हो गया है, लाइट उधर से ज़्यादा पड़ रहा है, इसलिए तो आज थोड़ा सा खाली है। तो इस जगह पर पूरा भरपूर रहता है गाड़ियों का, क्योंकि आज फ्राइडे भी है ना, इसीलिए सैटरडे और संडे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है वीकेंड्स में। तो चलिए फिर ऊपर चले गए। तो राहुल यहाँ पर घुस रहा है, देखो ये सेवेंथ हेवेंथ में बेबी के लिए पहली बार। राहुल इधर देखो, आज बर्थडे बॉय है भाई, कुछ बोल सकते हैं आप, पोस्ट कर लेते हैं। उधर एंजल को बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि यहाँ पर वो पहली बार आई है और शायद इसका दूसरी बार रेस्टोरेंट में घुसने का हो रहा है। बेटा क्लिप नहीं हटाने का है, इसको ठीक करो, हेयरबैंड को ठीक करो, थोड़ा सुपर करो। यस, तो वो पहली बार नहीं, ये दूसरी बार है जब वो रेस्टोरेंट में खाने के लिए आ रही है। बस ओकेजन बनते जाते हैं हम लोगों का, जस्ट रोड किनारे में है तो वो बहुत ही सुंदर दिखता है और अच्छा है। यहाँ पर सारे फैमिली और कपल्स, ये सारे लोग यहाँ पर आते हैं, तो उनमें से हम सभी कोई भी है, हम राहुल और श्यामली और इंजन, तो हम लोग यहाँ सभी पे आए हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। आप श्यामली यहाँ मेनू चूज़ कर रही है, क्या खाना है राहुल? किसी को मज़ा आए चाहे नहीं आए, श्यामली एंजल को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। हेलो बेटा, मज़ा आए नहीं आए, एंजल को बहुत मज़ा आ रहा है। बेटा नो, ये तो WWE वाला पूरा एकदम 1 2 3 काउंटिंग कर रही है। इसका बहुत मज़ा आ रहा है, वो इंजॉय कर रही है, मस्त है, बट इतना भी ज़्यादा ठंडा नहीं है, अच्छा लग रहा है, मतलब प्लेजेंट है, ना ही ज़्यादा ठंडा ना ही ज़्यादा गर्म, तो नॉर्मल है। बाहर का मौसम भी वैसे ही है, बारिश बारिश वाला। अब देखिए ये राहुल एंजल को देखिए, बहुत ध्यान से वो देख रही है। यहाँ पर उसके लिए फ़ोन रखा गया है, इस जगह पर फ़ोन रखा हुआ है ताकि वो कार्टून देख सके। वो अभी वहाँ पर एक छोटा हाथी देख रही है, तब वो जाकर के थोड़ा सा चुपचाप बैठी है उसके मम्मी के पास में, क्योंकि इतना देर से वो चुपचाप बैठी नहीं रही थी, वो टेबल पे चढ़ रही है, कभी इधर जा रही है उधर जा रही है, बट वो फ़ोन चल गया तो वो अभी वहाँ चुपचाप से वो देख रही है मम्मी के साथ में। राहुल का ट्रीट की तरफ से सबसे पहले शुरू हुआ है ये स्टार्टर है, बड़ी चाट, और उधर एंजल का भी मिला है। चलो राहुल लेट्स स्टार्ट, तुम्हारा नाम से आज जो भी होगा तुम्हारे नाम से शुरू होगा। तो शुरू करो भाई और बताओ कैसे लग रहा है, कैसा है? बढ़िया है, ठीक है। चलो हम तो नहीं दिख रहे कैमरा में, बट मेरा आवाज़ ज़रूर आएगा। तो फटाफट चार्ट कंप्लीट हो गया और लेकर के चले गए। अब यहाँ पर मेन डिश जो
कि उसका फ़ोन यहाँ पर रखा हुआ है और उसी से ही वो बिज़ी है। उसकी मम्मी पूरा बिज़ी है उससे बात करने में। उसको मिल गया है डेयरी मिल्क जो राहुल का गिफ्ट था, बट एंजल को मिल गया है और एंजल खाना शुरू कर दिया है। इतना बड़ा डेयरी मिल्क मिला है उसको, देखिए अब वो काटना शुरू कर दिया है। यहाँ पर सर्व हो रहा है लोगों का डिनर जो राहुल और श्याम ने दोनों मिल करके इसको ऑर्डर की है। और ये सारे आइटम्स हैं और इसमें से क्या क्या चीज़ खाना चाहते हैं आप उसे खा सकते हैं। अभी सर्व करके चले गए अब राहुल शुरू करो। राहुल ज़रा देखो, तो ठीक है अब इसको खाया जाए। राहुल शर्मा रहा है खाने में, तुम शर्मा रहा है खाने में, तुम देख नहीं रहा है इधर एंजल के भी जोरों शोरों से चल रहा है। ये सारे चीज़ फूड सर्व हुआ है हम लोगों का और वो तो खाने में बिजी है, मम्मी के साथ में दोनों लगी पड़ी हुई है। राहुल शर्मा तो फाइनली हो गया हम लोगों का डिनर। हाँ वहाँ डाल दो उसमें। तो राहुल का ट्रीट आज फाइनली राहुल की तरफ से ही हो जा रहा है। हो गया खाना, एंजल का भी हो गया खाना। सो फाइनली इट वाज अ ग्रेट डे, मज़ा आ गया। और काफ़ी देर भी हो गया है तो लोगों का भी लौटना भी होगा। तो गाइस फाइनली हम लोगों का हो गया डिनर और अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे। गाइस ये था हम लोगों का बर्थडे पार्टी राहुल की ओर से और ये छुप रहा है, कुछ कहना है इस वीडियो को? थैंक यू राहुल, ये ट्राई कीजिए राहुल का, थैंक यू। आइए 7th में और ये एसबी रोड में है, बहुत ही मस्त था, मज़ा आ गया। और अब इस वीडियो को यहीं तक ही हम लोग रखते हैं, फिर कुछ नया लेकर के आएंगे। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय एंड थैंक यू। राहुल का गिफ्ट हम लोग ऊपर ले जाने भूल गए थे इसीलिए अभी यहाँ नीचे आकर के दे रहे हैं।